वो अलग से कानून जो 5 साल की अवधि के लिए है और हर 5 साल पार्लियामेंट के समक्ष आना होता है और उसको एक्सटेंड करें या न एक्सटेंड करें, ये भारत हमारा पुराना रिश्ता है तेलुगु आंदोलन से, आज से नहीं, हमारे दादा के जमाने से। पेरियार का फोटो लगा है यहाँ पे, पेरियार जी हमारे घर आते जाते और हमारा बहुत घनिष्ठ रिश्ते थे। तो गुरु जी का भी फोटो लगा है और हमारा खास पहचान थी उनके साथ। और अभी हाल में ये भी जिक्र हो रही थी कि बंदूकों की, एक ही चीफ मिनिस्टर ने ये प्रावधान किया था कि सरकारी खजाने के पैसे से दलितों के लिए बंदूक खरीदी जाएगी और लाइसेंस दिलवाया जाएगा ताकि सवर्ण मुस्लिम के खिलाफ गोली नहीं चला पाए, उनके आत्मरक्षा के लिए। और कोई चीफ मिनिस्टर ने, चाहे वो दलित हो या सवर्ण हो, कांग्रेस हो या कांग्रेस हो, नहीं कर्पूरी ठाकुर जिन्होंने बकायदा कैबिनेट के रेजोल्यूशन से पैसे दिलवाया ताकि जो बड़े सभा में जाती दलित टोलों पे अत्याचार न कर पाए, कुछ अपने हिफाजत के लिए उनके पास कुछ हो बंदूक। मुझे एक ही कुछ सुझाव देने, एक कि अच्छा से अच्छा वकील करके तुरंत हाईकोर्ट हम दासू का निकाल। अगर आप मुझे कागज दें उनके एनएसए के, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड नेशंस में 3 जगह पे भारत सरकार और यूपी सरकार के खिलाफ कंप्लेंट हम करने के लिए तैयार हैं। आपके प्रतिवेदन के साथ एक यूएन स्पेशल रैपोर्टर ऑन टॉर्चर, क्योंकि उनको और उनके साथियों को मारा गया, पीटा गया। दूसरा यूएन स्पेशल रैपोर्टर ऑन हेल्थ, क्योंकि उनके हेल्थ का कंडीशन बहुत खराब है, उसको खराब किया गया है, मेरठ में अभी रखे गए हैं हॉस्पिटल में और उनको तुरंत जो निकालना चाहिए उसके। और तीसरा यूएन कमिटी ऑन आर्बिट्री डिटेंशन, क्योंकि ये डिटेंशन टोटली मनमानी है, आर्बिट्री है और इसके खिलाफ हमको करना चाहिए। यूएन में इन लोगों सवर्ण लोगों का एक कोशिश होता है कि हम ही है सर्वे सर्वा, बड़ा हम लोग बड़े दयालु लोग हैं, अच्छे लोग हैं, ये चेहरा मुखौटा के लोग पहन के जाते हैं। मैं अपनी बात ज्यादा नहीं कहता हूँ, छोटी मुंह बड़ी बात मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन यूएन के वेबसाइट पे जाइए, यूनाइटेड नेशंस कमिटी ऑन एलिमिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल डिस्क्रिमिनेशन, उसके समरी रिकॉर्ड्स पढ़िए। 1996 का पहला आदमी था हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के सरकार के दलील को विफल किया और कहा कि कास्ट इज अ फॉर्म ऑफ अपार्टाइड, मैं नहीं कहता, कास्ट इज अ फॉर्म ऑफ अपार्टाइड। मुझे कुछ कहना नहीं है, आप मेरे वेबसाइट में जाके देखिएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई, बहुत लंबी लड़ाई, ये आसानी से नहीं जीती जाए। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर द लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में जरूर है, बाबा साहब ने जरूर लिख के चले गए, लेकिन जमीन में नहीं। हम लोगों को कुछ आर्थिक मांगे भी करना होगा। एक, हर दलित भूमिहीन किसान को कम से कम 5 एकड़ जमीन दिया जाए। जब तक नहीं होगी तब तक सवर्ण जातियों का बिल्कुल हमारे ऊपर हावी रहेगा।